भरत मांझी, गिरिडीह जिला जनसेवक संघ अध्यक्ष, मेरे साथ इस समय स्क्रीन पर है, आप देखें। आइए भरत जी से बात करके जाने जनसेवक संघ गिरिडीह जिला के विषय में। भरत जी आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले सारण जिला, मांझी थाना, मुबारकपुर गांव। प्रॉपरली आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है? पोस्टिंग अभी मैं जनसेवक के रूप में जमुआ प्रखंड में हमारी पोस्टिंग है। आप गिरिडीह जिला जनसेवक संघ के जिला अध्यक्ष हैं जी। किस तरह का संघ है आपका, कहीं समस्या कुछ आपके संज्ञान में है क्या? देखिए, चूंकि जनसेवक संघ जनसेवक लोगों का समूह होता है जिला स्तर पर। हमारे यहाँ आज के समय में 142 कुल जनसेवक हैं और 142 जनसेवक जब जिले भर में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे होते हैं तो समस्याएं कुछ तो होती ही है, क्योंकि पब्लिक से रिलेटेड हम लोगों का वर्क होता है, तो समस्याएं रहती है मामूली तौर पर, जो जिला प्रशासन के संज्ञान में दे करके मामले को शट आउट कर दिया जाता है। ऐसी कोई विराट कोई समस्या नहीं है। आप की अगर बात की जाए तो जनसेवक संघ जो है या जनसेवक जो होते हैं उनकी बहाली विशेष करके कृषि क्षेत्र में होती है। बिल्कुल। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त जो है विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें आप जैसे लोगों को कार्यरत किया गया है, अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, चाहे AGM हो, पंचायत सेवक हो या फिर और दूसरा कोई भी विभाग हो, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका कोई कुछ मांग है इस विषय में प्रशासन से या फिर सरकार से? बिल्कुल, चूंकि जिला प्रशासन के अधीनस्थ जनसेवक कार्यरत है तो निश्चित रूप से प्रशासनिक दृष्टिकोण से जहां जरूरत होती है वहां जनसेवक को प्रतिनिधि पर काम भी लिया जाता है आवश्यकता अनुसार कुछ लोगों से। बाद बाकी तो मूलतः कृषि संवर्ग के हैं तो कृषि सेवा में ही लोग रहते हैं, तो उसमें यही है कि चूंकि बहाली मूल रूप से कृषि सेवा के लिए है तो कृषि से आधारित जो काम होता है वही लोग करें तो प्रत्येक जनसेवक को खुशी महसूस होती है। इसके बारे में क्या जनसेवकों को वेतनमान ठीक से मिल पा रहा है? बिल्कुल, जो झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित जो वेतनमान है उसके अंतर्गत वेतनमान मिल रहा है। ससमय मिल रहा है? हाँ, ससमय मिल रहा है, कोई दिक्कत। अभी तो अलॉटमेंट की समस्या है तो जो आवंटन जब नहीं रहता तो उसमें तो पदाधिकारी लोकल लेवल पर तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आवंटन जब होता है तो समय पर वेतन मिलता है। जनसेवकों की कोई एक प्रमुख समस्या जो आपके संज्ञान में है वो क्या है? देखिए, प्रमुख समस्या ऐसा कुछ नहीं है, जिला का एक खासियत है, खास करके हमारे भी जो वर्तमान उपायुक्त महोदय हैं काफी धन्यवाद के पात्र हैं, अभी जो DDC साहब है मेहरा साहब, तो ये सब लोग बिल्कुल संवेदनशील रहते हैं कि किसी भी जनसेवक को कोई भी समस्या हो तो क्विक डिस्पोजल होता है। अभी आपके संज्ञान में मतलब अभी फरवरी माह में इस जिले में 119 जनसेवकों का प्रथम SCP प्रमोशन, जो कि 2012 में इनकी नियुक्ति हुई थी और 10 साल पूर्ण होने पर तुरंत समय पर मिल गया है। इसके लिए हम लोग धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टिकोण में ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत खामियां रखती रहती है, लेकिन बहुत ओवरऑल प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है जिसमें जनसेवक लोग अभी लाभान्वित हुए। एक बार में, एक चिट्ठी में 119 लोगों को SCP प्रमोशन, ये झारखंड, पूरे झारखंड के अदर जिले के लिए एक बहुत ही अनुपम उदाहरण हो सकता है। जिला कृषि पदाधिकारी के बारे में कुछ चाहेंगे क्या? जिला परिषद, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला परिषद कृषि पदाधिकारी, देखिए प्रमोशन प्रोन्नति तो चूंकि झारखंड सरकार की बात है उसमें स्थानीय प्रशासन कुछ कर नहीं सकता है, तो जिला झारखंड सरकार अभी आप देखेंगे कि हाल में एकमात्र डुमरी प्रखंड है जहां पर ओरिजिनल जैसे अधिसूचित प्रखंड कृषि पदाधिकारी हैं। अभी हाल में आपको दिसंबर में रिटायर कर गए एक और कृषि पदाधिकारी थे श्री उपेंद्र कुमार गांडे में, तो रिटायर कर गए। सभी जगह 13 प्रखंड में अब आपसे डुमरी को छोड़कर सभी जगह प्रतिनियुक्ति पर जनसेवक लोग ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी का प्रभाव संभाल रहे हैं। झारखंड सरकार के लेवल की बात है, प्रमोशन होना चाहिए, जो सीनियर लोग हैं या उनकी उनका जो एक प्रमोशन का जो मानदंड है वह जो उसको फुलफिल करते हो वैसे जनसेवक उनको प्रमोशन देकर के और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित करना चाहिए, तभी तो सभी जगह जनसेवक लोग प्रतिनियुक्त हैं। प्रभाव गिरिडीह जिला सुखाड़ घोषित हुआ था उसके बाद से अब तक सरकारी अनुदान जो है कितना लाभप्रद सिद्ध हुआ है लोगों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से
हम लोग देखे जो सुखाड़ ग्रस्त घोषित हो गया था, तो उसका सभी 13 प्रखंड में लाभ मिल रहा है किसानों को। उसके लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा, और निश्चित रूप से मिलना भी चाहिए। वो ये चूंकि एक तो रबी में हम लोग बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं, खरीफ ही होता है जिसमें हमारा ग्रेडी बेहतर काम करता है कृषि विभाग में, लेकिन खरीफ इस बार सूखे की चपेट में था, तो सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है, तो जिन जो किसान है उनको लाभ देने का काम चल रहा है। चलिए, हमारे साथ जुड़कर अपने विभाग से संबंधित बहुत सी बातों को रखने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।